10 वेजिटेबल्स जो आप अपने घर पर इजीली उगा सकते हैं, वो भी मानसून सीजन के अंदर, और ये आप विंटर सीजन में भी ग्रो कर पाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और मिस मत करना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। पहले नंबर पर दोस्तों सभी का फेवरेट टमाटर जो हर सब्जी में डाला जाता है, इसकी बस छोटी छोटी स्लाइसेस करनी है, कोकोपीट की लेयर से कवर कर दीजिए और बस पानी डालकर छोड़ दीजिए। 7 से 15 दिन के अंदर इनके अंदर छोटे छोटे पौधे नजर आने लग जाएंगे और ये रहा उसका रिजल्ट। जब ट्रू लीफ नज़र आने लग जाए इसका मतलब है हमारा टोमेटो का प्लांट ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है। तो बस एक बड़ा सा पॉट लीजिए और इनको ग्रो कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों सरप्राइज एलिमेंट ये है कि ये छोटे पॉट में भी ईजिली ग्रो हो जाएंगे और बहुत सारे फ्लावर और फ्रूटिंग देने लग जाएंगे। अगर पॉट की साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हुई तो इस तरह के आपको बड़े बड़े टमाटर मिलने वाले हैं और 1 से 2 महीने में ही आपको ये रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे। मतलब आपने उगाया उसके 1 महीने बाद से ही आपको टमाटर मिलने लग जाएंगे। तो बस प्लांट लगाइए, आपको किसका इंतज़ार है। टमाटर के पौधे को फुल सनलाइट पसंद होती है तो ध्यान रखना सर्दियों के मौसम में इसको फुल सनलाइट में रखना और बारिश के मौसम में ऐसी जगह रखना जहाँ पर इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट मिलती रहे। बस उसके बाद आपको टमाटर ही टमाटर मिलने वाले हैं। अगर फर्टिलाइज़र देने की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच फर्टिलाइज़र इनको पसंद होता है, तो सॉइल के अंदर हर 20 दिन में आप फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 2 पर है कोरिएंडर। इसको दोस्तों डायरेक्ट बारिश में मत ग्रो करना, बाकी इसकी ग्रोथ कभी होगी नहीं। और यहाँ पर इसको ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट होता है एक चौड़ा बड़ा सा पॉट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरिएंडर के बीज डालिए और छोटे छोटे उनके पौधे नजर आने लग जाएंगे। मार्केट में मिलने वाला 10 रुपये का धनिया बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है, केमिकली ट्रीटेड होता है। यहाँ पर हम खुद का ग्रो करा हुआ कोरिएंडर खा रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत के साथ हमारा घर और हमारी फैमिली के लिए एक ऑर्गेनिक कोरिएंडर बहुत बेहतरीन रहता है और इससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। कोरिएंडर को ग्रो करने के लिए दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसके ऊपर डायरेक्ट पानी डालेंगे तो इसकी पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाएगी क्योंकि बहुत कमज़ोर होती है। नंबर 3 पर है लेमन। अगर दोस्तों लेमन ग्रो करना है उसके लिए एक बड़ा सा पॉट लेना ज़रूरी है और इसमें प्लांट का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर जल्दी आ जाए। तो आपको प्लांट सिलेक्शन ऐसा करना है जो ग्राफ्टेड हो, जिसपे पहले से फ्लावर और लेमन लगे हुए हों। तो हमारे इस प्लांट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेमन आ रहे हैं और 40 से 50 लेमन इजीली दे देता है क्योंकि ये छोटे पॉट में है। अभी हमने इसको रिसेंटली बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिया है, उसका रिजल्ट आपको आने वाले वीडियोस में दिखेगा। लेमन प्लांट को दोस्तों एक पोरस टाइप ऑफ सॉइल पसंद होती है, फुल सनलाइट में इसको रखेंगे तो ये ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। इसके ऊपर इंसेक्ट अटैक होता है, उससे आपको बचाना है और उसके बाद आपको बहुत सारे ढेरों लेमन मिलने वाले हैं। लेमन प्लांट को दोस्तों फुल सनलाइट में रखना ज़रूरी होता है, तभी वो आपको लेमन देगा बहुत सारे। और उसके फ्लावर जब आने लग जाए तो आप पानी की थोड़ी सी कटौती कर देना, इससे लेमन फ्रूट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। सॉइल में हमेशा दोस्तों मॉइस्चर बना रहना चाहिए, बट ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो प्लांट अपने सारे फ्लावर गिरा देगा। तो ध्यान रखना ड्राई साइड ऑफ मॉइस्चर लेवल मेंटेन करके रखना। नंबर 4 पर लेडी फिंगर भिंडी। दोस्तों बच्चों की सबसे फेवरेट सब्जी है तो इसको डेफिनेटली आप अपने घर पर उगा सकते हैं और ये 10 इंच के पॉट में इजीली ग्रो हो जाएगा। हमारे इस बड़े पॉट में हम दोस्तों 8 से 10 भिंडी के प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट में भी आपको भिंडी मिल जाएगी। 7 से 10 दिन में ही दोस्तों भिंडी के पौधे निकल जाते हैं और बहुत जल्दी ये भिंडी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। येलो कलर का फ्लावर आता है, बहुत खूबसूरत होता है। भिंडी के पौधे को मिनिमम 4 आवर की सनलाइट चाहिए होती है, अगर इससे कम मिलेगी तो शायद आपको भिंडियाँ भी कम मिले। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही भिंडी निकल के आती है तो आपको तुरंत उसको हार्वेस्ट करना है। ऐसा इंतज़ार नहीं करना है कि 1, 2, 3 भिंडी एक साथ हार्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय तक अगर भिंडी किसी प्लांट पर रहेगी तो वो अपने आप को और ज़्यादा कड़क करने लग जाएगी और वो खाने लायक नहीं रहेगी। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप 3 से 4 पौधे लगाइए और रोज़ 2 या 4 भिंडी हार्वेस्ट कर लीजिए और बस टेस्टी टेस्टी ऑर्गेनिक हेल्दी भिंडी आप अपने घर वालों को खिलाइए और खुद भी खाइए। फिफ्थ नंबर पर है तरोई। यहाँ पर दोस्तों इसके सीड्स देख लें किस तरह से छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, बट दोस्तों प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ये एक बेलदार पौधा है तो इसको ऊपर की तरफ ग्रो होने के लिए या तो आप जाली दे सकते हैं या फिर इसके अंदर कोई स्टिक लगा के इसको ऊपर की तरफ ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा बड़े बड़े ड्रम हमने दे रखे हैं, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रही है और इन्होंने जब जाली को कवर करना स्टार्ट करा तो जाली भी छोटी पड़ गई यहाँ पर और इनका प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है।
तो धीरे धीरे इनकी ग्रोथ दोस्तों और ज़्यादा बढ़ती जा रही है जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, और एक बार तरोई आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूसली आती रहती है और आपको ऑर्गेनिक टाइप ऑफ वेजिटेबल हार्वेस्ट करने का मौका मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लौकी जैसे ही बड़ी होने लग जाए आपको सही टाइम पर इसको हार्वेस्ट करना है, वरना ध्यान रखना ये कड़वा होना स्टार्ट कर देगी और अपने अंदर बीज बनाने लग जाएगी। नंबर 6 ब्रिंजल या फिर बैंगन। यहाँ पर बैंगन को उगाना भी बहुत आसान है दोस्तों, सीड्स को स्प्रिंकल करना है। जैसे हमने मिर्ची के पौधे उगाए थे सेम वैसे ही उगेंगे और उतना ही टाइम लेंगे और बहुत जल्दी हेल्दी होने लग जाते हैं। तो दोस्तों इनको जल्दी ट्रांसप्लांट करना है बड़े से पॉट के अंदर। बैंगन दोस्तों ऐसा पौधा है जो आपको खुश कर देगा, क्योंकि एक बार आपने इस पौधे को लगा दिया तो ये काफ़ी लंबे समय तक बैंगन देते रहता है और एक डॉर्मेंसी पीरियड आता है, उसके बाद ये फिर से रीग्रो होता है और फिर से आपको बैंगन देना स्टार्ट कर देगा। मतलब साल एक साल उगाएंगे आपको तो अगले साल भी ये बैंगन देने लग जाएगा। और अगर बड़ा बैंगन उगाते हैं तो बैंगन के बढ़ते के लिए बहुत ही शानदार है ये प्लांट, फुल सनलाइट लविंग प्लांट है दोस्तों। तो प्लांट को हमेशा आप फुल सनलाइट में रखना और ढेरों बैंगन आप हार्वेस्ट कर लेना। अगर पॉट साइज़ की बात करी जाए तो जितना बड़ा पॉट देंगे उतना बड़ा ये प्लांट हो जाएगा, और प्लांट की कोई लिमिट नहीं है इसलिए आपको अनलिमिटेड बैंगन मिलने वाले हैं। नंबर 7 कॉलीफ्लावर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सीड कितना ज़्यादा छोटा है, बट इसका जो फूल बनता है कॉलीफ्लावर का वो बहुत बड़ा बनता है। तो इसके लिए आपको छोटी छोटी पॉट तैयार करनी होगी, उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे एक बड़े से पॉट के अंदर। वैसे तो कॉलीफ्लावर या फिर फूल गोभी साल भर तक आपको मिलती रहती है, बट इसका मेन सीज़न होता है सर्दियों का। तो सर्दियों में दोस्तों इसको 6 to 7 आवर ऑफ सनलाइट चाहिए जिससे इसके पत्ते और ज़्यादा बड़े हो और इसका फूल भी बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। नियरली 1.5 से 2 महीने में ये तैयार हो जाते हैं और उसके बाद आप इसको हार्वेस्ट करें और बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक कॉलीफ्लावर खाइए। नंबर 8 करेला। 80% ऑफ द पॉपुलेशन इसको इग्नोर करती है, बट दोस्तों इसके अंदर बहुत अच्छा मिनरल सोर्स होता है, रिच इन विटामिन्स होते हैं, तो इसको खा लेना चाहिए। नियरली 7 to 8 डेज में ही आपको रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा और इसकी बेल बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तो इसको एक जालीदार सपोर्ट ज़रूर देना जिससे इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बूस्ट हो। और एक बार फ्लावर आने लग गया उसके बाद दोस्तों करेले की भरमार लगने वाली है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 तरह के करेले आते हैं, एक जो शॉर्ट बॉडी होते हैं और एक जो लॉन्ग बॉडी होते हैं। तो ये रहे हमारे लॉन्ग बॉडी जो अच्छे खासे लंबे हो जाते हैं, और शॉर्ट बॉडी मतलब छोटे ही रहेंगे। और अगर करेले की बेल को आप ज़मीन में लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने वाला है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने डाल रखा है तो आप ज़रूर चैनल को चेक करना। अगर इस प्लांट को फुल सनलाइट दी जाए तो दोस्तों प्रोडक्शन डबल हो जाता है, मतलब 6 to 7 आवर ऑफ सनलाइट अगर प्लांट को मिल रही है तो आपके पास बहुत ज़्यादा करेले मिलने वाले हैं। और नियरली दोस्तों इस प्लांट की लाइफ होती है 3 मंथ से ज़्यादा ये नहीं चलेगा और अपने आप ही सूख के गिर जाएगा। तो आप किसी बड़े से पॉट में इसको ज़रूर ग्रो करना जिससे आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक करेले मिले। नंबर 9 ऑनियन। और दोस्तों एक तो होते हैं ऑनियन, एक होते हैं स्प्रिंग ऑनियन मतलब हरे प्याज। हरे प्याज बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, और जो प्रॉपर ऑनियन अगर आपको लेने हो हार्वेस्ट करने हो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप ऑनियन तो मार्केट से परचेज कर लेना, बट एक आप काम करना ऑनियन के बीज लाना और उनको ग्रो करना, तो आपको स्प्रिंग ऑनियन मिल जाएंगे जिसको खाने से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं और हमारे ये दिमाग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो डेफिनेटली आपको स्प्रिंग ऑनियन खाने चाहिए, अपने डाइट में इंक्लूड कर लेना चाहिए। अगर आपके पास ऑनियन के बीज नहीं है, प्याज के बीज नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल प्याज लीजिए और उसको मिट्टी में डाल दीजिए। नंबर 10 स्पिनच पालक। यहाँ पर दोस्तों विटामिन ए का सोर्स है, तो डेफिनेटली आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, और अगर आपको ऑर्गेनिक ग्रो करके मिलता है तो आपकी बॉडी के लिए और ज़्यादा अच्छा है। देसी और परदेसी 2 वेराइटी आती है, तो अगर आप देसी वेराइटी ग्रो करेंगे तो स्मॉल लीफ आएगी, परदेसी ग्रो करेंगे तो बिग लीफ आएगी। आपके पास जो अवेलेबल हो वो ग्रो करिए, अच्छे सा कंपोस्ट डालिए और फिर देखिए आपके पालक के पत्ते कितने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इसके अंदर देंगे तो ये प्लांट की साइज़ और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 1-2 महीने में इसका हार्वेस्टिंग भी आ जाता है, तो ये बहुत इजी एंड फास्ट टू ग्रो वेजिटेबल है। तो डेफिनेटली आप अपने गार्डन में इसे ग्रो करिए, छोटे से छोटे पॉट में भी ईजिली ग्रो हो जाता है। आपके बॉडी के अंदर विटामिन ए सी के आयरन पोटेशियम सारे के सारे मिनरल्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट है ये पूरी कर सकता है। तो डेफिनेटली इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना, और मैंने जो अर्लियर 10 वेजिटेबल्स आपको दिखाई है वो सारी रेनी सीजन और विंटर सीजन में ग्रो करी जा सकती है इजीली। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारी है, नियरली 400+ वीडियोज़ है। तो डेफिनेटली चैनल को एक्सप्लोर करना, हमसे कनेक्टेड रहना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।